आशुतोष जी की हाँ कुछ होगा, लेकिन ये पॉलिटिशियन है उनके लिए थोड़ा सा है वो डर से। आप सबको बता रहे हैं कि प्लीज नेगेटिवली जज को ये इन्फ्लुएंस मत कीजिएगा। एंड ये जो भी कुछ सलमान खान का फ्लॉप हुआ है, एक टाइगर जिंदा है 3, ये 4, 5, 6 आएगा, ये बुढ़ा बंदर, बुढ़ा की मारा हुआ बंदर है वो बंदर। में मैं उसको बंदर भी नहीं बोल सकती, वो कुछ अजीब तरीके का पशु है। पता है कि उसके छपरी फैंस के अलावा कोई पिक्चर नहीं निकालते, फिर भी वो पिक्चर में आया। वो आया तो आया, ये जो कुछ नया वाला टाइगर है, टाइगर का पिल्ला, दैट इज नॉट फेवरिंग एट ऑल इंडियन पॉलिटिक्स। वो कुछ पाकिस्तान का पीएम को बचाने की बात कर रहे हैं, वो जन तो बॉलीवुड का। मैंने वो ट्वीट सिर्फ ट्विटर हैंडल सिर्फ पढ़ा कि ऐसा ऐसा है, मेरे तो आई वाज सो शॉक्ड टू नो कि ऐसे कैसे वो बना सकते हैं। दैट टू इन दिवाली वो पाकिस्तान की पीएम को बचाना चाहता है, वो आईएसआई दोस्त है, क्या चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सेंसर बोर्ड को आप चेक नहीं करते क्या बिफोर पासिंग ईच एंड एवरी पिक्चर, ये कुछ है, ये टोटली एंटी इंडिया पिक्चर है, वो आपने कैसे पास किया। वो पाकिस्तान का फ्लैग एक्चुअली दिखाना ही नहीं चाहिए अपने पॉजिटिव वे। वो हमारे बीच में से उस देश के साथ दुश्मनी अच्छी है बुरी है वो हमको पता है कि क्या हुआ पार्टीशन के वक्त, वो क्या कर दिया इन हमारे सो कॉल्ड महात्मा ने। लेकिन ये कैसा पिक्चर आपने अब साइन कर दिया, पूरा को पूरा सेंसर को पासिंग सर्टिफिकेट देके पिक्चर हॉल थिएटर में लाए भी कैसे आप, ये कैसा, हाउ इट इज पॉसिबल। जो भी कुछ है वो हैरी कर रहे हैं, प्लीज ओपन योर आईज एंड ओनली सी द चेस्ट फ्लैग ऑफ आवर कंट्री भारत। देखिए उस फ्लैग को कितना बलिदान दिया है शहीद भगत सिंह ने, इसने उन हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने, सेनानी वुमेन भी, औरतें भी शामिल है फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल में। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा फ्लैग ये इस तरीके से सलमान खान जैसा एंड देशद्रोही खराब करे। ये क्या कर दिया आपने सेंसरपुर जी, ये क्या कर दिया। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विथ हु सेंसरपुर का हेड है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो जिस किसी ने भी किया है ना वो देश का गद्दार है। गद्दार नंबर 2 वो सेंसर बोर्ड, गद्दार नंबर 1 वो सलमान खान। ये ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल आशुतोष जी, लेकिन क्या है मेरा आज गुस्सा बहुत सातवें आसमान के ऊपर जा पहुंचा है कि उसने हम पाकिस्तान के पीएम को बचाने की बात ही कैसे की। दूसरे साथी हमारे बोलिए कुछ। बायकॉट, देखिए आपको बायकॉट करना है, ये संदेश तो हम दे ही रहे हैं इस मूवी का। बॉलीवुड से बनने वाली हर मूवी का बायकॉट कीजिए, हर मूवी का बायकॉट कीजिए। दूसरे साथी जो बोलना चाहते हैं बोलिए। ये आज ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड हो रहा है इसमें जो पेंगुइन सेना है वो भी इम्पैक्ट हो गया। द रीजन वाई पेंगुइन सेना इज इम्पैक्टेड बिकॉज उनके कार्यकर्ता भी है फिल्म सेना की यूनिट में, दे आर ऑल्सो लूजिंग देयर जॉब्स। उनका आज ये हालत हो गया है कि जो लोग फिल्म सेट्स बनाते थे आज वो लोग कारपेंटर के दुकान में काम कर रहे हैं, आज उनका उतना बुरा हाल हो गया है। सलमान खान का कोई भी मूवी नो आई मीन वो क्या बना रहा है उसको कुछ पता है कि वो क्या मूवी बना रहा है, उस मूवी का नॉर्मल डेली लाइफ रियलिटी से क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं पता है। बस बना दिया उसको लगता है कि दिवाली को रिलीज कर दिया या ईद को रिलीज कर दिया तो उसका मूवी हिट हो जाएगा। एंड मुझे उसको एक संदेशा भेजना है और वो ये है कि अगर वो सोच रहा है कि वो स्पेशल वर्ग का लोग जो है वो उसका मूवीज देख के खुश होंगे, वो लोग उसका मूवी को हिट बनाएगा, तो वो बहुत बड़ा गलतफहमी में है। बिकॉज उसका ये ही स्पेशल वर्ग का लोग है जो उसका मूवीज फ्री डाउनलोड करके देख रहा है। इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है वो कि कोई उसके सामने जाके बोलते भाई भाई मैंने आपका मूवी 200 बार देखा। अरे 200 बार तू देखा कहाँ पे, देखा तू 200 बार, और 200 बार मैंने फोन में डाउनलोड करके देखा। अरे पागल 200 बार तू फोन में डाउनलोड करके देखा, 200 × 300 रुपीज
के हिसाब से कितना हो गया, 200 × 3 = 600, 60,000 रुपीज का तूने खड़े खड़े घाटा कर दिया है मेरा, इतना उनका गंदा हालत है। एडबॉक्स में हमारे जो एसएसआर वॉरियर हमें संदेश भेज रहे हैं, मैं आज कोशिश कर रहा हूं उनके नाम भी आपको पढ़ के सुनाऊं। हसीना वासुहानु लिख रही हैं, जस्टिस फॉर सुशांत। नमू निम्मू लामा लिख रही हैं, दीपावली की आप सभी को शुभकामना। और निम्मू लामा अस्तु जी नमस्कार, त्रिमुखे एम्बुलेंस वालों को भी काल कोठरी में डालना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे। और सूरज कुरली जी लिख रहे हैं, क्यूआईएम नेटवर्क की पूरी टीम को और एसएसआर वॉरियर को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। आज इस छुट्टी के दिन भी हम आपको तंग कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जरूरी यह है कि ये बायकॉट करना पड़ेगा और ये हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि न्याय पाने के लिए हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से एसएसआर वॉरियर पिछले 2-3 वर्षों से लगातार इस मुद्दे को जगाए हुए है, और वो किसी भी बॉलीवुड की मूवी को तब तक देखना पसंद नहीं करेंगे जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा को न्याय नहीं मिल जाता है। जी आगे बोलिए। इनको लगता है कि सी व्हाट एवर इज हैपनिंग इज गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन टुडेज रूलिंग पार्टी। इफ दे आर जस्ट साइलेंटली वॉचिंग एंड लेटिंग ऑल दिस हैपन, पीपल विल लैंड अप रिमूविंग देयर फ्रस्ट्रेशन ऑन देम। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि गलत लोगों के, जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो देख के चुपचाप खड़े रहना इज गोइंग टू कॉस्ट देम वेरी नियर एंड डियर। एंड सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो लड़ रहे, इट इज अप्रोक्सीमेटली दैट आई नो द नंबर्स इज अराउंड समवेयर अराउंड 5 million to 6 million सब्सक्राइबर्स। And if you take the entire state of say Uttar Pradesh, the entire state of Bihar, a lot of people from Maharashtra, a lot of people from other states also across India are supporting Sushant Singh Rajput. They may not be as active as all the other people who are part of SSR Warriors group, but all of them somewhere or the other they support Sushant and they are completely with Sushant. So all of us are closely watching what you are doing, and your actions are going to tell what is the outcome you will face during 2024 elections. So please stand with us, and while we also want to stand with you and ensure that you get a good victory, we also expect that you stand with us and help us out with our fight for Sushant Singh Rajput. What has happened, it is a brutal murder that has happened. There are 16 murders including Sushant and Disha Salian. There are 16 murders that have happened. Where is Anandi Dhawan? CBI has said that they had gone to Manesar. Manesar is in Haryana. मानेसर में कौन रहता है? मानेसर में आनंदी धवन रहती है। दैट इज द रीजन व्हाई दे वेंट देयर। सो देयर आर 16 मर्डर्स दैट हैव हैपेंड एंड दीस गाइस आर नॉट सपोज्ड टू गो स्कॉट फ्री। बाय नो वे दीस गाइस आर सपोज्ड टू गो स्कॉट फ्री। इट इज गोइंग टू सेंड अ वेरी रॉन्ग मैसेज दैट कोई भी किसी को भी मार के आराम से निकल सकता है, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन इन दिस कंट्री। आई विल स्टॉप हियर एंड आई लेट यू। डिमांड उठ रही है कि बायकॉट बॉलीवुड, तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बायकॉट बॉलीवुड की जो डिमांड है वो कितना जस्टिफाइड है।